महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जागरूकता के अंतर्गत राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज ओजली में अफसर बिटिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अफसर बिटिया पुलिस उपनिरीक्षक अनिता नेगी ने विद्यालय में बच्चों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने जहां बेहतर भविष्य के लिए की जाने वाली मेहनत और तैयारियों के बारे में बताया, वहीं आज के समय में बेटियों को चौकन्ना रहने, कानून की जानकारी होने और खुद को अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचने के भी गुर सिखाए। हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम चला रहे हैं तो देखने में आया कि बहुत ज्यादा इन लोग अवेयर हैं, कानून को लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, जिस वजह से कि जो बच्चों के से रिलेटेड जितने भी क्राइम है या साइबर संबंधी जितने क्राइम है मोस्टली देखने में आ रहे हैं इस एरिया में। तो हम लोग जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इससे निश्चित ही बच्चों को फायदा होने वाला है। आगे जब भी वो जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, बच्चे हर कोई बच्चा मोबाइल का यूज करता ही है, तो उसको कैसे यूज करना है, उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचना है, इसलिए इस टाइप के प्रोग्राम किए जाने बहुत जरूरी है। वहीं इस अवसर पर बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पुलिस विभाग के सहयोग से बेटियों को अपराध और साइबर क्राइम के संबंध में जानकारियां हासिल होती हैं, जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आज हमने विद्यालय में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी के बीच अवसर बेटे कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने का पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बालिकाएं हैं उनको विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी देना, और साथ ही साथ हमने पुलिस विभाग का भी सहयोग दिया है और पुलिस विभाग ने इनको साइबर क्राइम, पोक्सो एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानकारी दी है। और ये अपेक्षा है हमारी कि इन जानकारी के माध्यम से जो समाज में बेटियों के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं ये उनके प्रति जागरूक हो सके और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी साझा कर सके और जैसे समाज में घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को अफसर बेटी कार्यक्रम में सम्मिलित छात्रा सोनम ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों को अपराधों से बचने और उनका सामना करने के बारे में अहम जानकारी मिलती है। इसमें हमें मतलब जितने भी हमारे बीच में गेस्ट हमारे थे प्रेजेंट, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया, जो हम तो फिर भी बड़े हैं बट जो नए जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने उनको बताया कि किस तरह के लोग हैं आजकल, किस तरह हमें रहना चाहिए, और हमें जो लीगल बहुत ही जानकारियां मिली हैं कि जो आजकल हो रहा है बहुत ही जैसे बहुत ही केसेस सामने आ रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी दी कि हमें कैसे उससे डील कर सकते हैं, कैसे हमें घबराना नहीं है, कैसे हमें बातें बतानी है अपनी शेयर करनी है, कैसे हम उसके खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया।